नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन BPSSC में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे में फॉर सिलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन सब इंस्पेक्टर। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीटें हैं, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपने सामने देख पा रहे होंगे कि मैं इसको स्टेबल कर देता हूँ, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक, ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है। अब मैं कुल पदों की संख्या मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुल 212 यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनारक्षित 84, 22 है आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए, अनुसूचित जाति 34 और अलग अलग कैटेगरी का। दोस्तों एक बात याद रखिए, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हो रहे हैं जिनमें बैकवर्ड कास्ट का कट ऑफ जनरल कट ऑफ से भी ऊपर चला जा रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अप्लाई कीजिए। शारीरिक मापदंड आपके सामने यहाँ पर आ गया, ठीक है दोस्तों। मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, और जो चयन प्रक्रिया होगी उसके लिए पेपर होगा, दो परीक्षाएं होंगी, 200 अंकों की, जिस तरह से बिहार सब इंस्पेक्टर में होती है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में। 700 रुपये की फीस है दोस्तों इसके लिए, SC ST वालों के लिए 400 रुपये की फीस है। ऑफिशियल वेबसाइट सामने दिख रहा है, BPSSC करके ये वाली वेबसाइट दिख रही है आपको, तो बाकी दोस्तों आप जा सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। और यहाँ पर मैं लास्ट डेट देखिए, 3 तारीख से अप्लाई करना शुरू हो चुका है, आज 8 तारीख है और ये चलेगा 6 जनवरी तक, ठीक है दोस्तों। तो आप में से जिन लोगों को भी अप्लाई करना है बिहार पुलिस एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, बिगनिंग डेट ऑलरेडी लोग अप्लाई कर रहे हैं, एंड डेट 6 जनवरी है, इसका 2 पेपर होगा, 212 कुल सीटें हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इसके रिगार्डिंग और कोई अपडेट हुआ या बिहार सरकार की कोई भी और वैकेंसी हुई तो हम चैनल पर अपडेट कर देंगे।